भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के 131वें जन्म दिवस को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया। मथुरा में भाजपा द्वारा कृष्णनगर मंडल में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती देश भर में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के जन्मदिन को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया। इसी कड़ी में मथुरा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कृष्णानगर स्थित मियांवाली धर्मशाला में सामाजिक समरसता दिवस का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल शामिल हुए। भाजपा के महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल और जिला अध्यक्ष मधु शर्मा ने मुख्य अतिथि का जोरदार ढंग से स्वागत किया। वहीं मुख्य अतिथि ने बाबा साहब के चित्रपट पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आए कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि बाबा साहब ने देश में सामाजिक समरसता का संदेश दिया, छुआछूत को दूर किया, धर्म जाति के बंधन को दूर किया। आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं का अनुसरण कर रही है। आज मथुरा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम के साथ, आनंद के साथ और कार्यकर्ताओं से मिलकर मनाया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने देश के अंदर समरसता का संदेश दिया, जातिवाद प्रथा को खत्म करने का काम किया, छुआछूत को खत्म करने का काम किया, संविधान बनाने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने जिनको भरपूर सम्मान दिया, मोदी ने जिनके नाम से पंचतीर्थ बनाने का काम किया, उनको भारत रत्न देने का काम किया, ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं, पूरे देश के प्रत्येक जन जन के प्रेरणा स्रोत हैं, ऐसे महामानों को प्रणाम करता हूँ, उनको सच्चा नमन करता हूँ और पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको अनंत प्रणाम।